अभी हमारे मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जो पटना यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शरीक हो रहा हूं। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं और मैंने देखा है कि पहले जितने प्रधानमंत्री हो गए वो कई अच्छे काम मेरे लिए बाकी छोड़ के गए हैं। और वैसा ही अच्छा काम करने का मुझे आज सौभाग्य मिला है। मैं सबसे पहले इस पवित्र धरती को नमन करता हूं। क्योंकि आज हमारा देश जहां भी है उसे यहां तक पहुंचाने में इस यूनिवर्सिटी कैंपस का बहुत बड़ा योगदान है। चीन में एक कहावत है कि अगर आप साल भर का सोचते हैं तो अनाज बोइए, अगर आप 10-20 साल का सोचते हैं तो फलों का वृक्ष बोइए, लेकिन अगर आप पीढ़ियों का सोचते हैं तो आप मनुष्य को बोइए। ये पटना यूनिवर्सिटी उस बात का जीता जागता सबूत है कि 100 साल पहले जो बीज बोया गया 100 साल के भीतर अनेक पीढ़ियां यहां आकर के मां सरस्वती की साधना करके आगे निकल गई, लेकिन वो साथ साथ देश को भी आगे ले गई। यहां पर कुछ राजनेताओं का जिक्र हुआ, किसी यूनिवर्सिटी से निकल करके किस प्रकार से भिन्न भिन्न स्थानों पर उन्होंने सेवाएं की है, लेकिन मैं आज अनुभव से कह सकता हूं आज हिंदुस्तान का शायद ही कोई राज्य ऐसा होगा जहां सिविल सर्विस का नेतृत्व करने वाले पहले 5 लोगों में बिहार की पटना यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी न हो, यह हो नहीं सकता। इन दिनों में भारत सरकार में राज्यों से आए हुए हर छोटे मोटे अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर रहा हूं, डेली 80-90-100 लोगों से बात करने के लिए बैठता हूं, 1.5-2 घंटे बातचीत करता हूं और मैं अनुभव करता हूं कि उसमें सबसे बड़ा बल्क बिहार का होता है। उपासना में अपने आप को खपा दिया है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब हमें सरस्वती और लक्ष्मी दोनों को साथ साथ चलाना है। बिहार के पास सरस्वती की कृपा है
बिहार के पास लक्ष्मी की कृपा भी बन सकती है और इसलिए भारत सरकार की सोच ये सरस्वती और लक्ष्मी का मिलन करते हुए बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। नीतीश जी का जो कमिटमेंट है बिहार के विकास के प्रति, उनकी जो प्रतिबद्धता है और भारत सरकार पूर्वी भारत के विकास के लिए संकल्पबद्ध है, ये दोनों अवधारणाएं 2022 जब देश आजादी के 75 साल मनाए तो मेरा बिहार राज्य भी हिंदुस्तान के समृद्ध राज्यों की बराबरी में आकर खड़ा रहे, उस संकल्प लेकर के आगे बढ़ना। हमारे ये पटना नगरी गंगा जी के तट पर है और जितनी पुरानी गंगा धारा है बिहार उतनी ही पुरानी ज्ञान धारा का विरासत का मालिक है। जितनी पुरानी ज्ञान धन गंगा की विरासत है आपकी, जैसे जितनी पुरानी गंगा धारा की विरासत आपके पास है। और हिंदुस्तान में जब भी चर्चा आती है नालंदा विक्रमशिला को कौन भूल सकता है। मानव जीवन के संशोधन के क्षेत्र के शायद ही कोई ऐसे क्षेत्र रहे होंगे जिसमें सदियों से इस धरती का योगदान न रहा हो, इस धरती का नेतृत्व न रहा हो, जिसके पास इतनी बड़ी अहम विरासत हो वो विरासत अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा होती है। और जो अपने समृद्ध इतिहास का स्मरण रखता है उसी की कोख में भावी इतिहास गर्भाधान करता है। जो इतिहास को भूल जाता है उसकी कोख बांझ रह जाती है और इसलिए भावी इतिहास के निर्माण का गर्भाधान भी समृद्ध शक्तिशाली भव्य दिव्य भारत का सपना भी उसका गर्भाधान इसी धरती पर संभव है और इसी धरती पर से पुलकित होने का सामर्थ्य है, क्योंकि इसके पास वो महान ऐतिहासिक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, जीते जागते उदाहरण है। मैं समझता हूं इतना बड़ा सामर्थ्य शायद ही किसी के पास होता है। एक समय था जब हम स्कूल कॉलेजेज में सीखने के लिए जाते थे, लेकिन वो युग समाप्त हो चुका है। आज विश्व जिस तेजी से बदल रहा है, मानव की सोच जिस प्रकार से बदल रही है, सोचने का दायरा जिस प्रकार से बदल रहा है, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जीवन की सोच को, जीवन के व्यवहार को, वे ऑफ लाइफ को आमूलचूल परिवर्तन कर रहा है, तब हमारी यूनिवर्सिटीज भी, यूनिवर्सिटी में आने वाले हर नए विद्यार्थी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती ये है
चुनौती ये नहीं है कि नया क्या सिखाएं, चुनौती ये है कि पुराना जो सीख करके आया है उसे कैसे भुलाएं। अनलर्न करना, डीलर्न करना और बाद में रीलर्न करना, ये आज के युग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। फोर्ब्स मैगजीन के मिस्टर फोर्ब्स ने एक बार कहा था, शिक्षा की बड़ी मजेदार परिभाषा उन्होंने की थी। उन्होंने कहा कि शिक्षा का काम है दिमाग को खाली करना। हमारी सोच क्या रही? दिमाग को भरना, रटते रहना, नई नई चीजें रटते रहना, भरते रहना। फोर्ब्स का कहना है शिक्षा का उद्देश्य है दिमाग को खाली करना, और आगे कहा दिमाग को खुला करना। अगर सच्चे अर्थ में युगानुकूल परिवर्तन लाना है तो हम सबको भी हमारी यूनिवर्सिटीज में दिमाग खाली करने का अभियान चलाना होगा, दिमाग खोलने का अभियान चलाना होगा। जब खुलेगा तो चारों तरफ से नए विचारों का प्रवेश की संभावना बनेगी, जब खाली होगा तो नए भरने के लिए जगह बनेगी। और इसलिए आज की यूनिवर्सिटीज उसे लर्निंग, टीचिंग नहीं, लर्निंग को बल देते हुए आगे चलना है। और समय की मांग है कि हम हमारे शिक्षा संस्थानों को उस दिशा में कैसे ले जाएं। मानव संस्कृति के विकास यात्रा को देखा जाए तो एक बात जिसमें कंसिस्टेंसी है, सातत्य है, और वो है इनोवेशन, नवाचार। हमारे सारे क्षेत्र, और जरूरी नहीं है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी संशोधन का क्षेत्र है, समाजशास्त्र भी इनोवेटिव वे में समाज को दिशा दे सकता है। और इसलिए हमारी यूनिवर्सिटियों का महत्व आने वाले युग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और विश्व जिस प्रकार से ग्लोबलाइज हुआ है तो कंपटीशन भी ग्लोबलाइज हुई है, स्पर्धा भी वैश्विक हुई है। और आज हम सिर्फ अपने ही देश में स्पर्धा करने से चलता नहीं है, अड़ोस पड़ोस से स्पर्धा कर इतना चलता नहीं है, एक वैश्विक परिस्थिति में और भविष्य की परिस्थिति के संदर्भ में भी हमें उस स्पर्धा को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना है। देश को अगर आगे बढ़ाना है, नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, बदलते हुए विश्व में हमें अपनी जगह ताकत के साथ खड़ी करनी है, तो हमारी युवा पीढ़ी के द्वारा इनोवेशन को जितना बल दिया जाएगा हम दुनिया के अंदर एक ताकत के साथ खड़े रहेंगे। जब आईटी रिवॉल्यूशन आया, किस प्रकार से विश्व का भारत के प्रति सोचने का बदलाव शुरू हुआ, वरना दुनिया हमें हमेशा सांप सपेरों वाला देश मानती थी। दुनिया की यही सोच थी कि भारत याने काला जादू, भारत याने भूत प्रेत, भारत याने अंधश्रद्धा, भारत याने सांप और सपेरे की दुनिया। लेकिन जब आईटी रिवॉल्यूशन में जब हमारे देश के 18-20 साल के बच्चे उंगलियों पर दुनिया को एक नई दुनिया दिखाना शुरू कर दिया तो विश्व चौकन्ना हो गया कि ये क्या चीज लेकर के बच्चे बता रहे। भारत की तरफ देखने का नजरिया बदल गया। मुझे बराबर याद है जब मैं कई वर्षों पहले एक बार ताइवान गया था, तब तो मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, कहीं चुनाव की दुनिया से मेरा नाता नहीं था, वहां की सरकार के निमंत्रण पर गया था। तो मेरे साथ एक इंटरप्रेटर था, 10 दिन के मेरी वहां
टूर थी, वो इंटरप्रेटर मुझे बातचीत के माध्यम के रूप में मेरे साथ रहता था। अब 10 दिन साथ रहे तो थोड़ी परिचय हो गया, थोड़ा दोस्ती सा हो गया। तो 6-8 दिन के बाद उसने एक दिन मुझे पूछा, बोले साहब आपको बुरा न लगे तो मुझे कुछ जानकारी चाहिए। मैंने कहा जरूर पूछिए। बोले आपको बुरा नहीं लगेगा ना? मैंने कहा नहीं नहीं लगेगा, बताइए ना क्या है। ठीक है साहब, फिर बाद में बात करता हूं। संकोचवश वो बोल नहीं पाया। फिर दोबारा जब हम ट्रैवलिंग में साथ थे तो मैंने फिर से निकाला, मैंने कहा भाई तुम वो पूछ रहे थे क्या था? बोले साहब मुझे बड़ा संकोच होता है। मैंने कहा चिंता मत करो, तेरे मन में जो है पूछो मुझे। वो कंप्यूटर इंजीनियर था। तो उसने कहा साहब यह हिंदुस्तान अभी भी वैसा ही है, साफ सफेरे वाला, जादू टोना वाला। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये चीजें हैं जो देश की ताकत बढ़ाती है, लेकिन कभी कभार हम सिद्धांतों के आधार पर एक आध प्रोजेक्ट लेकर के, एक आध इनोवेटिव चीज बना करके शायद प्राइज भी जीत लेते हैं। लेकिन आज हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ी आवश्यकता ये है, और मैं 100 साल पुरानी पटना यूनिवर्सिटी जिसने देश को बहुत कुछ दिया है उस पवित्र धरती से देश भर के नौजवानों को आज आह्वान करता हूं, विद्यार्थियों को आह्वान करता हूं, फैकल्टीज को आह्वान करता हूं, यूनिवर्सिटीज को आह्वान करता हूं कि हम हमारे आसपास जो समस्या देखते हैं, सामान्य मानवी की जो कठिनाइयां देखते हैं, हिंदुस्तान के नौजवान स्टार्टअप के माध्यम से यूनिवर्सिटी की शिक्षा दीक्षा का इनोवेशन, भारत सरकार की बैंकों के मुद्रा योजना से बैंकिंग मदद और स्टार्टअप की दिशा में कदम आप कल्पना नहीं कर सकते। आज दुनिया में हिंदुस्तान स्टार्टअप की दुनिया में 4th नंबर पर खड़ा है। देखते ही देखते हिंदुस्तान स्टार्टअप की दुनिया में अग्रिम पंक्ति में आ सकता है। सरकार में लगता था हम इतना पैसा देते और हमारी कोई बात ही नहीं चलती तो कैसे चलेगा। मैं 1.5-2 साल तक सुनता रहा, और आपको जानकर के खुशी होगी और देश के एकेडमिक वर्ल्ड को भी जानकर के खुशी होगी, ऐसे विषयों की ज्यादातर अखबारों में चर्चा नहीं आती है। ये विषय ऐसे होते हैं कि वो खबरों में जगह जल्दी पाते नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने आर्टिकल जरूर लिखे हैं। पहली बार देश ने IIM को पूरी तरह सरकारी कब्जे से बाहर निकाल करके प्रोफेशनली उसको ओपन अप कर दिया। ये बहुत बड़ा फैसला किया है। जैसे पटना यूनिवर्सिटी के लिए IAS, IPS, IFS ये बाएं हाथ का खेल है, वैसे IIM के लिए, देश भर के IIM इंस्टीट्यूट के लिए विश्वों को CEO सप्लाई करना वो बाएं हाथ का खेल रहा है। और इसलिए विश्व की इतनी बड़ी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, सरकारी नियमों बंधनों बाबुओं के उसमें जाना आना, मीटिंग को खींचना, ये सारी चीजों से हमने मुक्त कर दिया है। IIM के लोग इस अवसर को एक अद्भुत मौका मान करके देश की आशा आकांक्षाओं के अनुकूल अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय करके देश को कुछ दिखा देंगे। और मैंने उनसे एक आग्रह किया है, IIM के रिफॉर्म के अंदर एक बात तो जोड़ा गया है कि अब IIM को चलाने में IIM के जो एल्युमनाज है उनकी सक्रिय भागीदारी चाहिए। स्टेटस, पद, प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें उसके साथ जुड़ जाती है। हमारे देश में ये परंपरा बहुत कम मात्रा में है, तो भी जरा उदासीन है। किसी एकांत फंक्शन में बुला लिया, माला वाला पहना दी, या तो दान मिला उससे जुड़ा रहता है। हमें एल्यूमना अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत होती है, उसके जीवन संपर्क की व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। जो मैं बात कर रहा था कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एक कदम आगे जाना चाहते हैं, और मैं पटना यूनिवर्सिटी को
उस एक कदम आगे ले जाने के लिए निमंत्रण देने आया हूं। भारत सरकार ने एक सपना देश की यूनिवर्सिटीज के सामने प्रस्तुत किया है। विश्व के 500 टॉप यूनिवर्सिटीज में हिंदुस्तान का कहीं नामो निशान नहीं है। जिस धरती पर नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, वैभवी, वल्लभी ऐसी यूनिवर्सिटीज कोई 1300 साल पहले, कोई 1500 साल पहले, कोई 1700 साल पहले पूरे विश्व को आकर्षित करती थी। हमें ही तो बदलना होगा, सपने भी तो हमारे होने चाहिए, संकल्प भी तो हमारे होने चाहिए और सिद्धि के लिए पुरुषार्थ भी तो हमारा होना चाहिए। इसी मिजाज से एक योजना भारत सरकार लाई है और वो योजना ये है कि देश की 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटी और देश की 10 पब्लिक यूनिवर्सिटीज, लेकिन ये यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन किसी नेता की इच्छा पे नहीं होगा, प्रधानमंत्री की इच्छा पे नहीं होगा, किसी मुख्यमंत्री की चिट्ठी और सिफारिश से नहीं होगा। पूरे देश की यूनिवर्सिटीज को चैलेंज रूट में निमंत्रित किया गया है। उस चैलेंज रूट में हर किसी को आना होगा, अपने सामर्थ्य को सिद्ध करना होगा और चैलेंज रूट में जो टॉप 10 प्राइवेट आएगी और टॉप 10 पब्लिक आएगी उनका एक थर्ड पार्टी प्रोफेशनल एजेंसी के द्वारा चैलेंज रूट में सिलेक्शन होगा और उस चैलेंज रूट में राज्य सरकारों की भी जिम्मेवारी होगी, जिस नगर में यूनिवर्सिटी होगी उनकी जिम्मेवारी होगी, जो लोग यूनिवर्सिटी चलाते होंगे उनकी जिम्मेवारी होगी, उनके इतिहास को देखा जाएगा, उनके परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, वैश्विक स्तर पर आवश्यक बदलाव का उनका रोडमैप देखा जाएगा और ये जो यूनिवर्सिटी टॉप 10 आएगी, 20 टोटल, उनको सरकार के नियमों बंधनों से मुक्त करके एक स्वतंत्रता दी जाएगी, उनको जिस दिशा में जैसे आगे बढ़ना है बढ़ने के लिए अवसर दिया जाएगा और इस काम के लिए 5 साल के भीतर भीतर इन यूनिवर्सिटीज को 10,000 करोड़ रुपीज, 10,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कई गुना आगे हैं, बहुत बड़ा फैसला है और पटना यूनिवर्सिटी इसमें पीछे नहीं रहनी चाहिए। यह निमंत्रण देने के लिए मैं आपके पास आया और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि पटना यूनिवर्सिटी आगे आए, उसकी फैकल्टीज आगे आए और इस महत्वपूर्ण योजना और पटना यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान के आन बान शान, जो पटना की ताकत है वो विश्व के अंदर भी पटना यूनिवर्सिटी की ताकत बने, उसको आगे लेकर के चलने की दिशा में आप मेरे साथ चलिए। इसी एक सद्भावना के साथ मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस शताब्दी समारोह में आपने जितने संकल्प किए हैं उन सभी संकल्प को आप परिपूर्ण करें, इसी एक भावना के साथ मेरी तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।